बाबूजी, टेक्निकल हेयर, आपके पास अपनी और अपने परिवार की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। गधा प्रसाद को भूल जाइए और घर से बाहर निकल जाइए। यू नो आपका इस बार मुकाबला टेक्निकल से है। इस सुसाइड बॉम्ब के अलावा मेरे पास और भी टेक्निकल बॉम्ब है जो मैं यहाँ बैठे बैठे एंटर बटन दबा कर ब्लास्ट कर सकता हूँ। सिर्फ एंटर दबा के रिलैक्स रिलैक्स, मैंने एक इको फ्रेंडली ग्रीन बॉम्ब तैयार किया था, आज टेस्ट भी हो गया। यू नो अरे भाई, ये सारे बम यहीं फटेंगे या वहां भी कुछ फटेगा? बाबूजी बज गया डंका। क्या हुआ? लघु शंका। चल दादे जल्दी कर, तेरे पास सिर्फ एक मिनट है। भैया कर रहे हैं। अरे जल्दी कर, आधा मिनट रह गया। डॉक्टर डॉक्टर, हाँ भैया, हाँ नाड़ा बांध रहे, नाड़ा। अबे तेरे नाड़े के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, जल्दी आ बाहर। अबे काउंटडाउन शुरू हो गया, आजा बेटा। अरे बाहर आ। हमें किसी न किसी तरह से उस राउटर को तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना गधा प्रसाद और हम सब इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन बाबूजी राउटर ढूंढेंगे कहाँ? एक सेकंड, बलवान रात को छत से आया होगा और फिर सीढ़ियों से उतरकर यहाँ आंगन में आया होगा। रात को किचन को छोड़कर हमारे घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद होते हैं और कमरे तो हम चेक कर ही चुके हैं, तो इसका मतलब राउटर यहाँ आंगन में या किचन में या सीढ़ियों के आसपास होना चाहिए। बात तो तेरी भी सही है। चलो शुक्र है, अब हम घर से बाहर निकल सकते हैं। हाँ। हाँ, अब हम सबकी जान बच गई डरते डरते। टेक्निकली स्पीकिंग ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, यू नो ना? भैया आप हमारा और निर्मल का करियर खत्म करके ही छोड़ेंगे? अरे आपका तो चौपट हो ही चुका है, क्या जरूरत थी चिड़ियाघर वालों को बताने कि राउटर घर में ही है? आप बाबूजी से हारते 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 बोर नहीं हुए क्या? ये टेक्निकल भैया, हम आपको हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये T20 का खेल खेलना बंद कीजिए, बटन दबा के ब्लास्ट करो। लेकिन वहाँ यहाँ नहीं, प्लीज। अरे जल्दी कीजिए वरना चिड़ियाघर वाले घर से बाहर चले जाएंगे और गधा अकेला रह जाएगा। अगर बाबूजी घर से चले गए तो इस टेक्निकल बॉम्ब का क्या फायदा? टेक्निकली तुम ठीक कह रहे हो, अभी उड़ा देता हूँ, यू नो ना? तुम लोग मुझसे ज्यादा बाबूजी को नहीं जान सकते, वो अपने गधा प्रसाद को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। जल्दी चलो, हम घर से बाहर निकल जाते हैं। दो फायदे हुए, हाँ तो सबकी जान बच गई है, दूसरा हमको आज किचन से छुट्टी मिल जाएगी डरते डरते। यात्रियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म खाली कर दें। जाने से पहले बलवान भैया से थोड़ी बातचीत तो कर लेते हैं। ओ बलवान, तुमने अपना राउटर तो देख ही लिया होगा, अब ये देखना हम इसके कितने टुकड़े करते हैं। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। बाबूजी राउटर मिलने से आप सिर्फ घर के बाहर जा सकते हैं, बम फटने से नहीं रोक सकते। गधा प्रसाद को बचाना इतना आसान नहीं है बाबूजी। क्या क्या बेटा? घोटक, गोमुख, तुम लोग बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बेटा बाबूजी आप नहीं आएंगे? मैं बेचारे गधे को अकेला छोड़कर कैसे आ सकता हूँ, तुम लोग जाओ प्लीज। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। बाबूजी गधा प्रसाद भी बाहर जा सकता है ना?
हाँ चलिए बाबूजी, सब लोग साथ में चलते हैं, फिर बाहर जाके सोचेंगे क्या करना है। कैसी बातें कर रहे हो तुम, गधे की हालत देखो, इसे ठीक से चला नहीं जा रहा है। मुझे नहीं लगता अब ये ज्यादा चल पाएगा। और बेटा वैसे भी अगर हम लोग इसे बाहर ले गए तो बाहर वालों की जान को इसकी वजह से खतरा हो सकता है। मैं यही इसके पास रहता हूँ बेटा, तुम लोग जाओ। बाबूजी अगर आप यहाँ रहे तो आपकी जान को भी तो खतरा है। बेटा चाहे कुछ भी हो जाए मैं गधे को यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में चल रहा है बेटा। इस हालत में आज मैं अगर इसे छोड़ के चला गया तो तुम्हारी अम्मा चिड़िया को क्या मुंह दिखाऊंगा। बाबूजी आप चले जाइए प्लीज। नहीं बेटा मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। बाबूजी जाओ ना। बेटा अगर ज्यादा बकवास करेगा ना तो दो थप्पड़ खाएगा। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। चल बेटा चल, तू चलना शुरू कर वरना घड़ी फिर टिक 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 शुरू कर देगी। बेटा हम नहीं चलेंगे, आप सब जाइए बाहर पहले। नहीं चलेगा? नहीं चलेंगे। तो ले बाबूजी। बाबूजी छोड़िए। चल चल चल। बेटा मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ। तुम लोग अगर सही सलामत बाहर पहुंच गए तो कम से कम मैं चैन से मर तो सकूंगा। बेटा चले जाओ प्लीज, चले जाओ। नहीं दादू, आपके बिना हम में से कोई इस घर के बाहर नहीं जाएगा, आप नहीं तो हम भी नहीं। हाँ। फैसला आपके हाथ में। बाबूजी आप चले जाओ प्लीज। ठीक है। लगता है बेचारे गधे की किस्मत में यही लिखा है। ठीक है तो चलो। टाटा। बेटा जो बच्चे जिद्दी होते हैं उनके साथ ऐसा ही करना पड़ता है। तुम लोग जाओ। बाबूजी 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 बाहर आ जाइए आप। बात झूठे हैं आप। तो क्या करूं मैं, अगर तू अकेला ऊपर चला गया तो वहां जाकर भी जरूर कोई ना कोई गधापंती करेगा, इसलिए वहां भी मुझे तेरे साथ तो रहना ही पड़ेगा। हैं? बाबूजी, बाबूजी बाहर आइए। दादू प्लीज, दादू गेट खोलो। बाबूजी प्लीज। बाबूजी क्या हम दोनों मर जाएंगे? हो सकता है बेटा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लड़ेंगे बेटा। तू घबरा मत, तू बस चलता रहे, मैं कुछ सोचता हूँ। चल नहीं पा रहे बाबूजी अब। बेटा चलना तो पड़ेगा ना, हौसला रख, हिम्मत से काम ले, चल। शाबाश। बाबूजी बाबूजी बाहर आ जाइए। बाबूजी बाहर आ जाइए प्लीज, दरवाजा खोली करते करते। दादू प्लीज दादू। बाबूजी बाहर आइए ना। आइए बाबूजी प्लीज। बाबूजी बाबूजी क्या हुआ बेटा, ठीक है ना? अरे हो उस हवलदार ने इस पीले तार को छुआ था जब अचानक उसे झटका लगा था। मतलब ये है कि पीली को छोड़कर लाल और हरा इन दोनों तारों में से किसी एक पर हमारी जिंदगी का दारोमदार टिका हुआ है। बाबूजी सुनिए हमारी बात। बाबूजी बाबूजी आप जिद कर रहे हैं। लाल और हरा इन दोनों में से किसी एक तार को काटना होगा। किसे, लाल या हरा? अरे वाह 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 वाह, अरे देखना भैया अब बाबूजी को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि वो गलत तार काटेंगे। लेकिन भैया अगर उन्होंने दोनों में से सही तार काट दी तो? सही कह रहा है छोटे तू, ये जो बाबूजी है ना ये बहुत ज्ञानी है, हो सकता है सही तार काट दे। हाँ। इसलिए ये खेल यही खत्म करते हैं,
और पटन दवा के दोनों की रामलीला खत्म। खत्म करो, खत्म करो। सुन टेक्निकल, ये बम फटेगा ना? तुम कहते तो बटन दबा के बम फोड़ ही देता हूँ, लेकिन हम अपने हाथ क्यों गंदे करें? ये काम बाबूजी को ही करने दो ना। इन दोनों में से जो भी तार काटेंगे बम वही के वही फट जाएगा। बाबूजी, आपको आपके बच्चों की कसम, प्लीज बाबूजी। मैं आपके साथ है। लाल और हरी, इन दोनों तारों में से मैं एक तार को काटने जा रहा हूँ। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए प्लीज बाबूजी। तुझे डर तो नहीं लगेगा ना? जब आप हमारे साथ हैं, तो डर किस बात का? काट डालो, दोनों साथ में फटेंगे। या तो चिड़िया अम्मा हमारे साथ रहेंगी या हम चिड़िया अम्मा के साथ रहेंगे। काटो। शाबाश बेटा। बाबूजी, बाबूजी प्लीज। बस ऐसे हिम्मत से काम लेना। हाँ। भगवान करेगा सब ठीक होगा। बाबूजी ऐसा मत कीजिए। बाबूजी प्लीज रुक जाइए। नहीं बाबूजी। लाल काटो। बस ये समझ लो बाबूजी और गधा प्रसाद की जिंदगी का लास्ट एक मिनट है। यू नो ना, ये हुई ना बात। निर्बल जी भैया, निर्बल भैया। ओ बेटा, दोनों ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ भैया। क्योंकि उस बाबूजी और गधे का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। हे टेक्निकल, एक बात बता, अगर लाल काली तार काटने से बम डिफ्यूज नहीं होगा तो कौन सी तार काटने से बम डिफ्यूज होगा? उसी तार को जो वलदार छेड़ रहा था, पीली वाली। टेक्निकली ये बॉम्ब मैंने ऐसा बनाया है कि अगर तुम पीली तार को पहली बार काटोगे तो झटका लगेगा, लेकिन अगर तुम उसी तार को दोबारा काटोगे तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। ये नो ना। कदम ये मना कीजिए आप। समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं? लाल काटू या हरी? टेक्निकल भाई, मान गया तेरे को मैं, अब तो 100% यकीन हो गया कि बॉम्ब फटेगा ही फटेगा। थैंक यू। बस थोड़ी देर में दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यू नो ना। क्या करूं क्या नहीं? बाबूजी हमारी समझ में आ गया। लाओ आप हरिओम बोलो। बेबी हमको कभी देखो, कुछ नहीं पता, किसी से मत कर। नहीं नहीं, बाबूजी फटे। नहीं फटे, नहीं फटे बाबूजी, नहीं फटे। भैया बम इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि लैपटॉप का टीवी ही बंद हो गया। बम फटा ना? नहीं, डिफ्यूज हो गया। यू नो ना, डिफ्यूज हो गया। गधे ने तेरे बम को डिफ्यूज कर दिया। करके हमें उल्लू बना रहा था तू, है इतना खर्चा करके तुझे बुलाने का क्या मतलब? अरे खर्चा छोड़, बोलता था कि अमेरिका की आर्मी भी इस बम को डिफ्यूज नहीं कर सकती थी, और उस गधे ने जिसके पास दिमाग नहीं है उसने इसका बम डिफ्यूज कर दिया। भैया हम यहाँ से भाग चलते हैं, पुलिस कभी भी आ सकती है, और पुलिस आएगी तो हमारी ठुकाई लगा देगी। रुको, मेरे पास एक और खतरनाक बॉम्ब है।
वाटर बॉम्ब। अब तेरी बातों में नहीं आने वाले हम लोग। बिल्कुल नहीं। अब तो ये मत कहना कि स्विच दबाने से है। एक बात तो बता, तुझे पता कैसे चला कि पीली वाली तार ही काटनी है? भैया, जब हमने देखा कि हम आए बाबूजी के हाथ कांप रहे, उनका दिमाग चलना बंद हो गया, हमने अपना दिमाग चलाया, हमने हमारा खुद का दोहा बोला और तार काट दी। कौन सा दोहा सुषमा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो और 80-90 पूरे 100। तो हमें लगा धागा और चोर निकल के भागा। गा गा जो है पीली तार पे आया और वो ही काटती। गधा प्रसाद तो जीनियस निकला यार, मान गए यार। सब बाबूजी की अनुकंपा है। हरिओम हरिओम। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। एक और तोहफा है। वैसे बाबूजी, गदा भैया ने आज अपना दिमाग लगा के ना खुद को और आपको दोनों को बचा लिया डरते डरते। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। आज तो इस गधे की गधापंथी ही काम आई है। अक्कड़ बक्कड़ ने बचा लिया, सुनना तो आज सब बढ़ान। जाको रखे साइया और बाल न बाका होए सके जो जग। Sitting on husband's birth, eating कल का बचा हुआ हलवा। तू क्या कर रही है? पहले तुम बताओ कि तुम क्या कर रही हो। आज टिफिन में क्या भेजा था? आलू की सब्जी और रोटी। आलू की सब्जी। हाय राम, रोटी के बदले चार्जर मैंने गलती से रख दिया होगा जी, सॉरी। ओ कोयल, ये आलू चार्जर खिला के मेरा रिचार्ज करवाना था क्या? मैंने ऑफिस से 3 बार फोन किया, तुमने वापस कॉल बैक क्यों नहीं किया? एक मिनट, मैंने कहा ना मैंने गलती से रख दिया होगा, जानबूझ के थोड़ा करूंगी। और आपके कॉल देखे थे मैंने, लेकिन फिर काम में इतनी बिजी हो गई कि कॉल बैक करना याद ही नहीं रहा। हो काम में? कौन से काम में? चैटिंग में। अभी किसके साथ चैटिंग कर रही थी तू? शीला के साथ। आ, 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 कोई नई बात नहीं है, शीला के अलावा तुम्हारे साथ चैट करेगा भी कौन? कोई समझदार इंसान तो करेगा नहीं, क्योंकि जैसी तुम वैसी वो शीला, दोनों को कोई काम धंधा तो है नहीं। हाँ हाँ, काम तो बस आप ही करते हैं ना यहाँ, आपका टिफिन, आपके कपड़े, आपकी चॉय चॉय चॉय, ये सब तो रेलवे डिपार्टमेंट करता है ना? खबरदार कोयल, मेरे रेलवे के बारे में कुछ भी कहा तो। और खबरदार मेरी शीला के बारे में कुछ भी कहा तो। कम से कम उसके साथ फोन पे मेरा टाइम तो गुजर जाता है, आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। क्या कोयल, परसों तो तुम्हें घुमाने ले गया था मैं। उसे घूमना कहते हैं? हाँ? 12 बजे का टाइम देखे धौलपुर मेल की तरह 4 घंटे लेट आए थे आप। गोल चौक पे आपका 4 घंटे वेट कर करके मेरी कमर गोल हो गई। कोयल, उस दिन मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मैं थोड़ी देर लेट हो जाऊंगा, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। नहीं, मैसेज तो मिला होगा, लेकिन मैम साहब ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि उस शीला के साथ चैटिंग करने में बिजी रही होगी तुम। मेरा मोबाइल है, मैं जिसके साथ भी चैट करूं, जिसके साथ भी बात करूं। मैंने कभी आपसे पूछा आप किसको फोन मिला रहे हैं, आप किसके साथ मैसेज पे बात कर रहे हैं? अरे आपने तो अपना फोन भी लॉक कर दिया है, मुझे उसका पासवर्ड भी नहीं बताया। मैंने तो अपना फोन लॉक नहीं किया, आपने क्यों किया जी? मतलब कोयल, तुम मेरा मोबाइल चेक करती हो? हाँ करती हूँ, मैं पत्नी हूँ आपकी, पूरा हक बनता है मुझे। आप भी मेरा फोन चेक कर लीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ मेरा फोन चेक कर। अरे कोई जरूरत नहीं है कोयल। कोयल, मेरे मोबाइल में मेरे ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स की डिटेल्स पड़ी हुई होती है, इसलिए लॉक करना पड़ता है। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मर्दों की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स कैसी होती हैं। कोयल, चिल्लाइए मत, क्योंकि मेरा गला आपसे ज्यादा तेज भी है और सुरीला भी। आज के बाद मेरे लिए कभी भी चौ 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 मत बनाना। चौ 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 क्या? आज के बाद मैं आपकी बर्थ भी नहीं हिलाऊंगी। हाँ, 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 हाँ,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.